in this section i will explain the concept of options that are a type of financial instrument and what uh, we will be do discussing that what is meant by an option and why we can say that this can be used as a tool for insurance so we discussed earlier that there are various ways through which we can protect ourselves from risk because whenever we are doing any any kind of business or whenever we are undertaking any type of investments making any type of investments we get exposed to risk so there are a number of different techniques through which we can protect ourselves to the from the exposure to a to the risk so we cannot avoid it in some cases but somehow we can manage to protect ourselves from uh, a higher level of risk so options is a financial instrument that is used, or we invest, or in options in order to protect ourselves from different types of risks. So when we look at the concept of option, as I said earlier, that it is a financial instrument that is basically based on the value of the underlying securities, and there could be a number of different types of securities, and we can take up the stock so what is going to be the value of a certain stock or the value of certain stocks which we are trying to invest in so the value of that stock will help us in determining the value of the option so basically option is a contract which allows you to or which gives buyers the opportunity to protect himself or herself against certain risks that can be there in future so basically the investors can buy options or they can sell options so and the basic objective behind both selling and buying options is to protect themselves against the risk therefore we are we can consider it as a tool that can be used as an insurance in order to protect ourselves or the investors can protect themselves against any kind of

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए इतने पैसे पे करेंगे और इतने टाइम पीरियड के फला डेट के ऊपर आफ्टर अंथ और आफ्टर थ्री मंथ्स ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस दिस इज वॉट इज मेट बायूचर्स बट ऑप्शन में आप कह रहे हो जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लेंगे सो एज द नेम से ऑप्शन कह रही है कि यू हैव द ऑप्शन टू डू दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर आपको उस वक्त अप्रोप्रिएट लग रहा है सूटेबल लग रहा है तो फिर आप वो ऑप्शन को एक्चुअलाइज um, कर लेते हैं या मटीरियलाइज कर लेते हैं मगर आप अगर नहीं चाहते तो देर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन यू आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड फ्यूचर्स कि यहाँ पे यू कैन गो फॉर इट इन केस ऑफ ऑप्शन बट फ्यूचर्स में यू विल हैव टू डू फॉर इट गो फॉर इट ठीक है आपको फ्यूचर्स में जाना ही है वो चीज बेचनी ही है या खरीदनी है जो इसके लिए आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ मगर ऑप्शन में आपको फैसिलिटी मिला हुआ है कि आप ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करेंगे या सेल करेंगे इफ इट सूट्स यू एट दैट टाइम सो देर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑफ गोइंग फॉर इट और नॉट गोइंग फॉर इट नाउ वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट ऑप्शन तो देर इज ऑलवेज

टाइम फ्रेम तो आपने एक सर्टन टाइम फ्रेम लिया है इट कुड बी नाइन्टी डेज इट कुड बी थर्टी डेज और आप बाय करना चाह रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो इसका मतलब है कि आप कॉल ऑप्शन पे जा रहे हैं अगर आप पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब है यू वांट टू सेल अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एट अ सर्टन रेट और उसके ऊपर हम प्रीमियम भी डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन है एक पुट ऑप्शन है पुट ऑप्शन में आप बेचते हैं कॉल ऑप्शन में आप खरीदते हैं कि आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाउ वैन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉल ऑप्शन तो कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आप बेचना खरीदना चाह रहे हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तो वहाँ पे इस कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि जो बायर है वो बुलिश है और जो सेलर है वो बेरिश है इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर कॉल ऑप्शन मुझे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन के तौर पे मैं कमिट कर रही हूँ कि मैं इसको लेना चाहती हूँ तो इट मीन्स आई एम गोइंग फॉर कॉल ऑप्शन तो बींग अ बायर आई एक्सपेक्ट कि ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं इस कीमत पे ले रही हूँ फॉर एग्जांपल इस वक्त इसकी कीमत पचास रुपए है एक स्टॉक की और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फ्यूचर में आज से छः माह के बाद या चंद माह के बाद या चंद दिन के बाद इसकी कीमत पचास रुपए से बढ़ जाएगी तो जो बायर होता है कॉल ऑप्शन में वो हमेशा पुलिश होता है लेकिन जो सेलर है आप है कोई मार्केट में बेचेगा कोई स्टॉक को तो ही मैं ख़रीद सकती हूँ तो सिर्फ वो आदमी बेचेगा जो केस समझ रहा है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत गिरने वाली है इसका मतलब है कि यहाँ केस ऑफ कॉल ऑप्शन द सेलर विल ऑलवेज बी आ बेरश सेलर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में कीमत गिरने वाली है और जो ख़रीदार है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में कीमत बढ़ने वाली है और जब वो बढ़ जाएगी तो फिर मुझे फ़ायदा होगा दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग दिस इज वॉट आई एम फोर्सिंग हैंस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इस सिचुएशन में जो सेलर है वो बेरिश है जो बायर है वो बुलिश है ऑन द कॉन्ट्ररी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पुट ऑप्शन तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी फर्क हो जाएगी राइट right? तो वी आर गोइ टू डिस्कस इट इन अ वाइल्ड बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स प्राइस ऑन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड कि ये कीमत के ऊपर हम कोई भी ऑप्शन को ख़रीदने जा रहे हैं और बेचने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कीमत को हम स्ट्राइक प्राइस या एक्साइज प्राइस बोलते हैं सो नाउ देर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास ऑप्शन में वी कैन क्लासीफाई द ऑप्शन एज अ यूरोपियन टाइप ऑप्शन एंड एन अमेरिकन टाइप ऑप्शन अब इन दोनों में फर्क क्या होता है सो इफ एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज अपॉन द एक्सपायरेशन डेट ओनली बिकॉज जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि देर वुड बी अर्टन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में डेट नहीं बोल रही टाइम पीरियड होता है इन केस ऑफ ऑप्शन कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान या टाइम पीरियड के एक्सपायर होने पर आप ये पर्टिकुलर चीज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं सकते हैं का मतलब है आपके पास चॉइस है ठीक है आप खरीदेंगे विल बी फ्यूचर्स तो ऑप्शन में आप खरीद सकते हैं आपको चॉइस मिल रही है राइट नाउ देर आर अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर स्पेशाइज इन बाइंग एंड सेलिंग द कॉल एंड पुट ऑप्शन जो ऑप्शन में ही एक्सेल करते हैं ऑप्शन में डील करते हैं उनका काम यह है राइट बट एट द सेम टाइम देर कुड बी अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शन में नहीं जाते और बेसिक टेक्निकल डिफरेंस दोनों का ये है कि फ्यूचर्स में कन्फर्म है कि आपको वो खरीदना ही है ऑप्शन में आपके पास चॉइस है आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन नाउ इफ यू आर बाउंड टू गो फॉर एन ऑप्शन अगैन चॉइस है ठीक है अगर आप एक्सपायरी डेट के ऊपर ही सिर्फ अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपकी ऑप्शन यूरोपियन टाइप ऑप्शन कहलाएगी लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर एक्सपायरी टाइम से पहले भी अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन के राइट right को एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके पास परमिशन है अलाउंस है तो देन द ऑप्शन विल बी कैटेगराइज एज एन अमेरिकन टाइप ऑप्शन सो वे वेन एवर यू गो फॉर एन ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन देर हैजू बी एन एक्सपायरी डेट देर हैजू बी आ स्ट्राइक प्राइस जिसकी जिस कीमत के ऊपर आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने की चॉइस लेने जा रहे हैं राइट और अगर आप एक्सपायरी डेट के ऊपर ही सिर्फ उस चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे तो वो यूरोपियन टाइप ऑप्शन कहलाएगी अगर आप एक्सपायरी डेट से किसी भी वक्त पहले भी और एक्सपायरी डेट तक आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं तो देन यू आर अंडरटेकिंग यू हैव अंडरटेकिंगेज और यू हैव गॉन फॉर एन अमेरिकन टाइप ऑप्शन